साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार किसान हो, जवान हो या फिर नौजवान, हर सपने, हर आकांक्षा, हर भावना को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता से जुटी है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति कर रही है। आप ये भी याद करिए कि कांग्रेस ने किसानों के साथ क्या किया। किसानों की बरसों पुरानी मांग थी कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, वो इसे टालती रही। किसानों की इस मांग को पूरा करने का ऐतिहासिक फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही लिया। इस फैसले की वजह से लगभग 2 दर्जन फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय हुआ है। अब हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इस फैसले का पूरा लाभ किसानों तक पहुंचे। भाइयों और बहनों, जो दशकों तक किसानों के दर्द का इलाज नहीं ढूंढ पाए, एमएसपी पर फैसला टालते रहे, वो अब फिर झूठे वायदों से किसान की आंख में धूल झोंकने में जुटे हैं। और मैं इनका पैटर्न भी आज खुलकर के आपको बताना चाहता हूं। 10 साल पहले जब 2009 का चुनाव सामने था, तब कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी का ऐलान किया था, तो देश के किसानों पर लगा के चलो भाई, बाकी जो हो या न हो इतना तो हो जाएगा। लोगों ने जम करके उनको वोट भी दे दिए। 2004 में जो सीटें मिली थी उसे ज्यादा सीटें भी मिल गई। किसान तो भला भोला भरोसा करने वाला होता है। उसने किसान कांग्रेस के सारे पाप जानते हुए भी भरोसा कर लिया। और भरोसे की सजा, भरोसे की सजा आज भी देश का किसान भुगत रहा है। भाइयों बहनों, ये काम उन्होंने किया किसानों पर, उस समय किसानों पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आप सुनिए भाइयों बहनों, 2008-09 में कांग्रेस ने जब किसानों को कर्ज माफी का वादा किया और चुनाव में वोट बटोर लिए, तब 6 लाख करोड़ का कर्ज देश के किसानों पर था। उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की, लेकिन कर्ज माफी हुई सिर्फ 6 लाख करोड़ के सामने सिर्फ 60,000 करोड़। कितना बड़ा धोखा किया। बाकी सारे किसान इंतजार करता रह गया। पिछले साल इन्होंने कर्नाटक में भी कर्ज माफी का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ इन्हें गिने कुछ किसानों को इसका लाभ हुआ और बाकियों के खिलाफ कर्ज के नाम पर पुलिस के वारंट निकले हैं। किसान को घर छोड़कर के भागना पड़ रहा है। ये कर्नाटक का हाल करके रखा है। यहां पंजाब की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहां पर भी कांग्रेस
कर्ज माफी का ऐलान करके वोट बटोर के ले गई, किसान के आंख में धूल झोंक करके खेल किया और सत्ता में आ गई। कांग्रेस ने वादा किया था कि यहां के किसानों का दसों हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ करेंगे। ये वादा किया था कि नहीं किया था? उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? ये वादा किया था कि नहीं किया था? अब डेढ़ साल बाद सच्चाई क्या है? मैं तो मीडिया में कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था, कांग्रेस के लोग अपनी बातों को और जनता को गुमराह करने के लिए बड़े बड़े कागज लेके संसद पहुंच गए थे, बड़े बड़े कागज लेकर के आए थे। उसमें वो लोग खुद ही, उन्होंने जो लिखा है, खुद ही दावा कर रहे थे कि सिर्फ 3400 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि कितने किसानों को सही में इसका लाभ मिला, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो इसमें भी दागदार है। पहले की कर्ज माफियों में वो ऐसे लोगों के भी कर्ज माफी करते रहे हैं जो उसके हकदार ही नहीं थे, जिसका न खेत है, किसानी है, कुछ नहीं है। लेकिन पंजाब के लोगों को तो अब कांग्रेस ने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि उसने ज्यादा नहीं किया है। डेढ़ साल में सिर्फ 3400 करोड़ का कर्ज माफ। फिर ध्यान से सुनिए, अगर कांग्रेस का दावा सही है तो डेढ़ साल में सिर्फ 3400 करोड़ कर्ज माफी कांग्रेस के लिए पंचवर्षीय योजना है क्या? किसान के मरने के बाद पहुंचोगे क्या? साथियों, आप ये भी मत भूलिए कि पंजाब सहित पूरे देश में छोटे किसान जिनके पास एक दो हेक्टर जमीन है और जिनकी संख्या हिंदुस्तान में सबसे अधिक है, वो कभी बैंकों से कर्ज नहीं पाते हैं, उनको वो मिलता भी नहीं है, उनको तो साहूकारों से या दूसरे लोगों से कर्ज लेना पड़ता है। जब इन गरीब किसानों का ही कर्ज माफ नहीं होगा तो फिर किसानों से झूठ क्यों बोल रही है कांग्रेस? साथियों, जैसे कांग्रेस ने देश को दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे के साथ ठगा, वो अब देश को कर्ज माफी के नाम पर ठग रही है। हालात तो ये भी थे कि न किसानों के पास बैंक खाते थे, न उन्हें पक्का मकान देने के लिए कांग्रेस ने कुछ सोचा और न ही उनके शौचालय के लिए कुछ किया। देश के हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम भी अटल जी के समय ही शुरू हुआ था। देश के गांवों, देश के किसानों को लेकर कांग्रेस की यही सोच रही है। वहीं एनडीए की सरकार विकास की पंचधारा, जन जन की सुनवाई के साथ ही बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई के लिए दिन रात काम कर रही है।